Morning students, today in this video we'll learn about how to convert decimal into fraction. किसी भी decimal number को fraction में कैसे convert किया जाता है, ठीक है? Let's see the examples. Suppose the question is 0.85, ठीक है? यहाँ पे question क्या है, 0.85 कि डेसिमल नंबर है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या है, 0.85 है, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 85. तो यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में 85 लिखेंगे, फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होगा. नंबर यहाँ पे 85 है तो यहाँ पे 85 लिखे. अब डिनोमिनेटर की बारी, डिनोमिनेटर कैसे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ देखिए जो डेसिमल है हमारा राइट से दो डिजिट के बाद है. डेसिमल जो है हमारा यहाँ से राइट से दो डिजिट के बाद है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिनोमिनेटर में कि दो ज़ीरो लिखकर और वन लिख देंगे. दो डिजिट है यहाँ पे तो दो ज़ीरो, ठीक है, टू ज़ीरो, और डेसिमल की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे वन लग जाता है. मतलब वी पुट वन फॉर द डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो वन पुट करते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, एंड ज़ीरोस ज़ीरो पुट करते हैं फॉर ईच डेसिमल प्लेस इन द नंबर. वन फॉर द डेसिमल पॉइंट एंड ज़ीरो फॉर ईच डेसिमल प्लेस. यहाँ पे दो डेसिमल, यहाँ पे दो डिजिट है यहाँ पे डेसिमल के बाद, तो दो ज़ीरो लगाए, ठीक है. अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. तो फाइव के टेबल में ये 17 टाइम्स और ये फाइव के टेबल में 20 टाइम्स, मतलब क्या हो गया 17/20, ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज द क्वेश्चन इज 0.072, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, 0.072 डेसिमल नंबर है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 72 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 72 लिख देंगे, ठीक है. डेसिमल है तो वन लिखे. यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, तो कितना ज़ीरो हो जाएगा, 1, 2, 3, 0, ठीक है. ये तो फ्रैक्शन में आ गया, और इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो ये टू के टेबल में 36, ये टू के टेबल में 500, फिर ये टू के टेबल में 18 और ये टू के टेबल में 250, फिर ये टू के टेबल में 9 और ये टू के टेबल में 125. अब ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा 9/125. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज द क्वेश्चन इज 9.64. तो यहाँ पे कितना नंबर हो रहा है, 964 हो रहा है, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 964, ठीक है. इधर जो होल नंबर पार्ट होता है उसको भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ ज़ीरो था इसलिए नहीं लिख रहे थे. अब यहाँ पे देखिए होल नंबर में क्या है, 9 है, मतलब ये पूरा भी हो जाएगा 964, ठीक है. और डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो 1, डेसिमल की जगह पे 1 पुट करते हैं, और जितना भी नंबर्स होता है डेसिमल पार्ट में, ठीक है, उसमें हम लोग 0 पुट करते हैं. तो यहाँ पे कितना डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो कितना ज़ीरो हो जाएगा, 20, मतलब ये क्या हो गया 964/100. इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. तो 2 के टेबल में सीधे इसकी 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये 4 के टेबल में 100 डिवाइड होता है, और 964 भी होता है, तो ये 100 होता है 4 के टेबल में 25 टाइम्स, और 964 241 टाइम, ठीक है, 241 टाइम्स हो रहा है. तो 241/25 आया, उसको हम लोग किसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. तो 241 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 के टेबल में 241 से छोटा 9 टाइम्स में आता है 225. सब्ट्रैक्ट किए तो 11 में से 5 गया तो 6, और 3 में से 2 गया तो 1, ये कितना आ गया 9/16/25. विल राइट इट ओवर हियर, 9/16/25.
ठीक है। सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल 12.408, ये डेसिमल नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 12408, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डेसिमल प्लेस के जहाँ पे 1, यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो 3 जीरोस, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड होगा दोनों, तो ये 4 से डिवाइड होगा 250 टाइम्स में, और ये डिवाइड होगा 4 के टेबल में 3102। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ये 125 टाइम्स में, और ये डिवाइड हो रहा है 1551। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिवाइड करते हैं 125 से 1551 को, वन टाइम में 125, ये 0, ये 3, ये 1, टू टाइम्स में 250, सब्ट्रैक्ट किए तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, ये कितना आया 1251 बाई 125। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग डेसिमल इंटू फ्रैक्शन। अब हम लोग जानेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इंटू डेसिमल। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इंटू डेसिमल, सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग 7/100, ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग हमें डेसिमल नंबर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ज़ीरो था, कितना ज़ीरो है 2 0। तो राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबर करने के बाद, यहाँ पे 2 0 है मतलब दो नंबर के बाद डेसिमल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7/100 है, यहाँ पे 2 0 है मतलब 2 0 के बाद डेसिमल होगा लेफ्ट में। तो हम लोग इधर से जाएंगे, राइट साइड से जाएंगे, ये तो एक नंबर सिर्फ है तो इसको दो नंबर करना होगा। तो दो नंबर कैसे करते थे हम लोग, 0 हम लोग राइट में नहीं करते हैं, 0 हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं और फिर डेसिमल लगा देते हैं, क्या बन जाएगा 0.07। पॉइंट के पहले कुछ नहीं रहता तो क्या लगा देते हैं 0, मतलब 7/100 को लिख सकते हैं 0.07। यहाँ पे 2 0 थे तो यहाँ पे, लेकिन ऊपर एक ही नंबर है इसको 2 करना होगा, तो क्या लगाए 0 लगाया। अगर राइट साइड में 0 लगाते तो बन क्या जाता 70 बन जाता, लेकिन हमें 7 रखना था तो इसलिए लेफ्ट में हम लोग 0 लगाते हैं। सपोज 8/1000, इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 3 0 है मतलब पीछे से राइट से 3 नंबर के बाद डेसिमल, तो और कितना चाहिए 0 हमें, 2 0 और चाहिए, तो 2 0 लगा कर डेसिमल, दैट इज़ 0.008। यहाँ पे पॉइंट का कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए। सीधा नेक्स्ट एग्जांपल, अगर है 657/100, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग पहले क्या करेंगे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 657/100। अब 6 तो 6 ही है, 57/100 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 है मतलब 2 नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ पे 2 नंबर है यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिए, मतलब ये 6 जो है अभी डेसिमल पार्ट से ऐड हो जाएगा, तो 6 में 0.57 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 6.57। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज इट इज़ 28/769/10000, इस फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और ये जो होल नंबर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कितने 0 है 1 2 3 4, यहाँ पे लेकिन 3 ही नंबर है, तो क्या करेंगे कि 0 लगा देंगे और डेसिमल पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 28.0769, ठीक है।
लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सपोज आई एम टेकिंग फ्रैक्शन 1/4. अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 10 नहीं है कि हम लोग 0 बैठा देंगे, डेसिमल बैठा देंगे. 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, सब नहीं है, तो डेसिमल तो नहीं बैठाएंगे. तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 है, मतलब इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से. तो हियर सी, हियर ये जो न्यूमरेटर जो 1 है उसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.00, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. 1 हो या फिर 1.00 हो, वो भी 1 है. तो इसमें आप क्या करें कि 0 बैठा देते हैं, ठीक है, डेसिमल लगा कर 0 बैठाएं. आई पुट हियर ओनली 2 जीरोस, और डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 ही है, ठीक है, 4 है तो यहाँ भी 4 ही है एज इट इज़. अब क्या करें कि 4 से डिवाइड करेंगे 1.00 को, 4 से डिवाइड करेंगे 1.00 को. तो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन. सिर्फ अगर जब 1 को देखें तो 1 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, हमें दूसरे नंबर को भी लेना होगा. तो जब दूसरा में इधर आया तो क्या है, डेसिमल है, तो इसमें क्या पहले पुट कर देंगे, डेसिमल पुट करेंगे तब दूसरे नंबर को टच कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे जब एक नंबर, जब एक नंबर देखें यहाँ पे तो डिवाइड नहीं हो रहा था, तो दूसरे नंबर को देखेंगे, तो दूसरे नंबर तक जाने के लिए पहले हमको डेसिमल को पार करना होगा. तो जब यहाँ डिविडेंड में डेसिमल है तो यहाँ भी आंसर में भी, क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, ठीक है. तब ये क्या हो जाएगा, 10. अब 10 तो डिवाइड नहीं होगा, 10 टू टाइम्स में क्या आता है, 8 आता है. अब ये पूरा ये 10 है, ठीक है, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, और ये जो 0 है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये बन गया आपका 20. तो 4 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, 5 टाइम्स में ये कट गया. मतलब इसका आंसर क्या आया, 0.25. पॉइंट का कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हैं, 0 लगा देंगे. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. और ये डिवीजन तब तक कंटिन्यू होगा जब तक रिमाइंडर जो है वो हमारा पूरा 0 ना आ जाए, ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7/8. यहाँ भी जो डिनोमिनेटर में है वो 10, 100, 1000, 10,000 ये सब तो नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग डेसिमल पुट कर सकते हैं. ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, 7 है, और डिनोमिनेटर 8 है. तो 7 को क्या लिखेंगे, 7.00 यहाँ भी लिखते हैं, ठीक है. जब और 0 को ज़रूरत पड़ सकता है तो हम लोग यहाँ पे 0 और लगा सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है. 8 से डिवाइड करें किसको, 7.00 को. सिर्फ 7 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब हमें सेकंड नंबर को भी देखना होगा. तो पहले सेकंड नंबर तक जाने के लिए क्या है, यहाँ पर डेसिमल है बीच में, तो क्वेश्चन में भी क्या कर देंगे, पहले डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि हमें सेकंड नंबर तक जाने के लिए डेसिमल को क्रॉस करना होगा, ठीक है. तो अभी क्या बन गया, 70 बन गया. तो 8 के टेबल में 70 या 70 से छोटा क्या आता है, 8 टाइम्स में 64 सब्ट्रैक्ट किए तो 70 में से 64 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आएगा, 6, ये 0. ऊपर से क्या उतरेगा, 0 उतरेगा, ठीक है. तो 60 से छोटा, 7 टाइम्स में 56 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आया 4, ये 0 कट. अभी भी क्या कर, यहाँ पे अभी 0 और चाहिए क्योंकि डिविजन और कंटिन्यू होगा, तो हम लोग और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कब तक 0 जाएगा. तो अब ये 0 क्या होगा कि अब नीचे आएगा और यहाँ पे 0, ठीक है. अब 8 के टेबल 45 टाइम्स में, मतलब जब 7/8 7 को डिवाइड किए 8 से तो आंसर क्या आया, 0.875. पॉइंट का है कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे मैंने सिर्फ 20 रखा था, मुझे और यहाँ पे एक 0 की ज़रूरत हुई, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 लगा लिया, ठीक है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1917/40. 17/40 को डिवाइड करना है, और 17/40 का जो डिवाइड होगा उसके बाद क्या करेंगे, इस 19 को उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. होल नंबर के पार्ट में 19 को उसमें ऐड कर देंगे. तो ये 17/40 है, 17/40 17 उसे डिवाइड नहीं होगा, तो उसमें क्या करेंगे कि इसमें 0 और लगाएंगे हम लोग. सपोज आई एम पुटिंग हियर 3 जीरोज़, ठीक है.
40 से डिवाइड करें किसको, 17.000। 17 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तीसरे नंबर तक जाना पड़ेगा, तो डेसिमल को क्रॉस करना होगा। तो डेसिमल क्या है, तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में भी हम डेसिमल लगा देंगे। अभी कितना बन गया, 170। तो 4 टाइम्स में क्या आता है, 160। ठीक है, डिवाइड किए तो 0 में से 0 हुआ, सब्ट्रैक्ट किए तो 0 में से 0 तो 0, और 7 में से 6 गया तो 1। यहाँ पे अब ये 0 नीचे आया तो कितना बन गया, 100। 2 टाइम्स में 80, सब्ट्रैक्ट किए हुआ तो ये 20। अब ये 0 नीचे आया तो यहाँ पे आ गया, तो 5 टाइम्स में 200। मतलब एक जब डिवाइड किए 17/40 को तो आया कितना, 0.425। लेकिन अभी भी क्या है कि 19 बाकी है, 17/40 है, तो इस 19 को क्या करें कि इस होल नंबर के पार्ट में ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 19.425। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। योर होमवर्क विल बी दैट यू विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 6E एंड 6F इन योर मैथ्स कॉपी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।